यहाँ हमारे हॉस्टल का, शास्त्री नगर हॉस्टल का, सभी गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं कि उनका हॉस्टल का समस्या बहुत है। हम उनसे बात करने के बाद और यहाँ उनके स्ट्रगल में हम शामिल होने के बाद हमें ये पता चला कि 5 दिन से उनको पानी का बहुत बहुत प्रॉब्लम है, एक। और दूसरा है, अगर पानी नहीं है तो गर्ल स्टूडेंट को कितना प्रॉब्लम होता सब लोग समझ लेना। दूसरा समस्या है शौचालय का प्रश्न है। शौचालय के जाते समय वहाँ लाइट नहीं है, अच्छा शौचालय नहीं है, अच्छा बिल्डिंग नहीं है, और रात में जाते समय वहाँ कभी कभी साफ आता है, वो सब प्रॉब्लम है। और वहाँ का ऑफिसर कहते हैं साफ साफ आया है तो फोटो निकाल के भेजो, तो ये कैसा हो सकता। हमारे स्टूडेंट्स सांप देख के घबर जाते, वो लोग कि क्या फ़ोटो निकालते, ये क्या बकाह की बात है। और उनका अलग अलग समस्या है, वहाँ सेफ्टी नहीं है, वहाँ सीसी कैमरा नहीं है। अगर लड़कियों को आप देखें तो पता चलेगा उनके शरीर में खून नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे शरीर के लिए कितना कैलोरी फूड लेना है उतना फूड वहाँ नहीं देते हैं कि दाल में क्या बोलते हैं आप, सांभार में दाल नहीं है, हाँ अच्छा चावल नहीं है, अंडा नहीं देते हैं, केला नहीं देते हैं, दूध नहीं देते हैं, ये कहाँ की बात है। ये सब समस्या लेकर ये पूरा गर्ल स्टूडेंट्स यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। ऑफिसर को हम आग्रह करते हैं तुरंत इनका समस्या का हल करो, आप 8 दिन 2 दिन का ये नहीं लेना। ऑफिसर बोले क्यों आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, ये गलत है, उनको समस्या है इसलिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ये अटेंड करना ऑफिसर का जिम्मेदारी बनती है, ये हम आग्रह करते हैं। ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.